आप इधर रहते हैं जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। हाँ जी, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, रहते कहाँ हैं? बस उधर स्ट्राइपर पर बैठे। अच्छा, तो ये सामने कैंप कुंप में लोग जाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? जाएंगे, उधर भी जाएंगे। जाएंगे लोग? हाँ। आपको लगता है ऐसा ऐसा लोग जाना शुरू हो जाएंगे? एक है ना। आप क्या करते हैं जी? मजदूरी करता हूं। रहते किधर है? इधर बाहर। बाहर ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा? अब्बास। नशा करते हो? कब से करते हो? एक दो माह। एक दो माह हो गए। रहते कहाँ? बाहर रहते। आप इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। आए हमारे साथ कैंप लेके चलते हैं आपको। ये सामने कैंप है, सड़क पार करेंगे तो कैंप। ठीक है, ठीक है, आ जाए जी। बहुत सारे लोग हैं जी हमारे साथ, जो बड़ी मुश्किल से हमारे साथ इकट्ठे हुए ताकि वो सारे के सारे अफराद हमारे साथ जा सकें और उस कैंप का विज़िट भी कर सकें और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शुरुआत कर सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद आज रात भी फुटपाथ पर रहेगी और उस फुटपाथ पर रहने की बड़ी वजह शायद ये है कि वो लोग बहुत मुश्किल होगा वो लोग ट्रस्ट करें, बहुत मुश्किल होगा कि ये लोग ट्रस्ट कर पाएँ। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं कि इस तरह से खान साहब ने कैंप लगाए हैं उन लोगों के लिए जो कि फुटपाथ पे सोते थे, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था। और मैं मीडिया को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि लोगों में एक आगाही मुहिम जो चलाई हुई है आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो आज़ाद देखें जी पनागाह के, आप पंफलेट भी लगे देख सकते हैं, पनागाह का पंफलेट लगा आप देख सकते हैं इधर। और ये स्टीमर बोलेंगे जी उसको, ये स्टीमर है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि तमाम लोगों को पता लगे कि पनागाह ये है, यहाँ इस जगह पे मौजूद है परिंदा मार्केट की साथ वाली ग्राउंड में, ताकि जो भी लोग हैं जो बसेरा करना चाहते हैं, जो मुसाफिर बाहर से आए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं यहाँ पर कहीं पे रहने के लिए, वो यहाँ पर आकर बसेरा कर सके। और ये मैं फिर कहूँगा सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ी बात आज हुई है कि आरजी शामियाने लगा दिए गए हैं और जब तक ये सरकार को इन सारे नशेइयों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ट्रस्ट के अदरवाइज कोई नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी सहूलत उन मजदूर तबके के लिए है। ये जी पनागाह है और इस पनागाह के अंदर लोग रहेंगे, यहाँ कैंप लगे हुए हैं आप देख सकते हैं और यहाँ तकरीबन 70 अफराद का जो रहन सहन का बंदोबस्त है वो किया गया है और इसमें 3 टाइम का खाना शामिल है और लोग यहाँ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और थोड़ी आसानी उन्हें मिल सकेगी इधर, क्योंकि इधर टेंट की वजह से सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी, नए बिस्तर हैं और इसको चूँकि DC ऑफिस डायरेक्टली मोनिटर कर रहे हैं, गुजार साहब मोनिटर कर रहे हैं, इमरान खान साहब मोनिटर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हालात में बहुत सारी आपको बेहतरी नजर आएगी। सबसे बड़ी सहूलत मजदूर तबके के लिए जो अपने घरों से निकल कर आए हैं, अपने गांव देहातों से निकल कर सिर्फ अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब कहाँ रहते थे आप पहले? पहला कामों की दिन इतने हूँ मजदूरी करना वहाँ। हाँ, मजदूरी करके अपना टाइम पास करने। तो आपको कैसा लगा ये सेटअप? बहुत अच्छा लगा। बेहतर लगा? हाँ जी बेहतर। कोई घर वाली फीलिंग आई? हाँ जी। चलो मेहरबानी। आपका क्या नाम है सर? सलाम अलैकुम। गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, कहाँ से आप, किस इलाके? शकरगर का रहता हूं। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले तो ये बाहर फुटपाथ पे सोता था, तो मजदूरी करते हैं, रेडी रूप लगाते हैं। अब ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा। किस जगह रेडी लगाते थे आप? ये बाहर सड़क पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज साहब, आप कहाँ रहते थे पहले? पार्टी अंदर। पार्टी अंदर। अच्छा, ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आप किधर रहते थे? आप पहले फैसलाबादी होने, पार्टी अंदर रहने का। पार्टी के अंदर? हाँ जी। अच्छा ठीक। ये सूरत हाल बाजी, सलाम अलैकुम बाजी, तुसा कितने रहते हो? मैं ना जनाब वहाँ की रहने वाली हूँ, बालाकोट की। लगा जहाँ सन 2005 में जल्जल आया, सो उस दौरान के सन 2005 की यहाँ पे रह रही हूँ। अच्छा, तो अब आप इधर रहा करेंगी? अब इधर रह रही हूँ। पहले इससे पहले कहाँ थी? कल रात किधर थे आप? इधर ही थी मैं। ये कैंप तो आज लगा? आज लगा था, लेकिन इधर ही थी मैं, इधर दरबार के अंदर गई। अच्छा, पास रहते थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमजा। कहाँ से आप? मैं इधर से, इधर के ही रहती हूँ। इधर की रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अहमद अली। तो किस इलाके से आप? जिला कसूर। तो अब इधर रहेंगे आप? हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, खैरियत है? आप किधर रहेंगे? इधर रहेंगे आप? इधर रहेंगे। पहले कहाँ रहते थे?
उधर बाग में सोते थे। बाग में सोते थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या नाम है आपका? अमजद। पहले आप किधर रहते थे? इधर ही बाग में रहते थे। तो आप इधर रहेंगे? ठीक लगा आपको निजाम? सुभान अल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं होगा ना होएगा। ठीक है। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? तो ठीक इंतजाम लगा, बेहतर लगा? ठीक, बहुत अच्छा इंतजाम। ये यहाँ की जी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में यहाँ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो आकर रहना शुरू हो चुके हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो सड़कों पे बैठी है। उनका क्या होगा, वो किधर जाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फकार जी। पहले कहाँ रहते थे? मैं इधर कभी दरबार पे, कभी फुटपाथ पे मजदूरी कर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद साहब, किस इलाके से? पिशावर का। चार सदा। चार सदा से। तो इधर पहले कहाँ रहते थे आप? पहले उधर सराय पर। सराय रहते थे। तो वो तो निजाम नहीं सही लगा होगा उधर, तो सारा कटमल है, गंदगी बहुत है। 70 रुपए दे के 4 रुपए हैं, भी नहीं होते उधर। सारा इधर ये बेहतर लगा आपको? बेहतर है ना। चले खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबर सैन। पहले कहाँ रहते थे? मैं पहले सराय में रहता था, इधर काम शाम करता मैं। कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती, तो फिर कभी कभी फुटपाथ पे सोना पड़ता है। ये अब ठीक लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा जी, बहुत। अल्लाह ताला खुश रखा इमरान साहब को, अल्लाह ताला। इमरान मलिक को? इमरान खान को। अच्छा जी, इमरान खान। इमरान मलिक को कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी आपकी? क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, आप पहले कहाँ रहते थे? ये बाहर फुटपाथ पे, 15 साल हो गए मुझे। आज आपको थोड़ा बेहतर लगा? जी है? ये बहुत अच्छा है, एकदम। मलिक साहब, यहाँ तो काफी तादाद हो गई, और अब तो फिक्र ये पड़ गई है यहाँ आने के बाद के जो बाहर बड़ी तादाद है, जो 70 से ज्यादा है। डीसी लाहौर दोपहर को यहाँ पर आई थी और कहकर गई है कि अगर हमें यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो हम इस पूरी ग्राउंड को जो है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? मेरे ख्याल इनके कपड़ों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, और सारा ये सब कुछ साथ ही होगा, क्योंकि अब चूंकि पीएम ने कह दिया है तो ये ना चाह कर भी करना पड़ेगा सबको, इसलिए कि बाकायदा जो है वो पहले महकमे किधर थे सारे। मैं कह रहा हूँ कि वो इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे पूछेंगे, तफसीलन पूछेंगे फॉलो अप प्रोग्राम्स में। चाचा, क्या नाम है आपका? शौकत अली जी। शौकत अली, किस इलाके से आप? मैं जी इधर शेखपुर का रहने वाला, इधर काम। पिंड कड़ा शेखपुर का? पिंड मोमनपुरा। मोमनपुरा। तो अब बताएं मुझे कि इधर अब आप इधर रहेंगे? इधर रहूंगा। कोई बेहतर लगा ये सिलसिला? हाँ जी, बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक। क्या हाल है जी आपके? क्या नाम है आपका? शान नाम है मेरा। तो इधर इससे पहले कहाँ थे आप? इस्लामाबाद से आया हूँ मैं इधर। मेरा इधर जेब काटा गया। घर से लड़के आए? हाँ। किससे लड़े? अबू से। अबू से? क्यों? क्या नाम है अब्बा का? खुर्शीद नाम है। क्या करते हैं? काम करते हैं गाड़ियों का। तो किस बात पे लड़ाई हुई? किस बात पे? वैसे ही बस काम की। नशा तो नहीं करते आप? कुछ भी नहीं करते। लड़ाई किस बात पे हुई? काम की वजह से। वो कहते थे काम करो? काम करता था। क्या करते थे? वही गाड़ियों का काम करता था। तो वो क्या कहते थे सही करें? जी, उस वजह से लड़ाई हुई है। तो घर वापस नहीं जाना? वापस जाना चाहता हूँ। तो अबू से माफ़ी मांग लो ना, क्यों यार ज्यादती हो गई। माफ़ी करो, अभी बोलो, अभी बोल दो, सुन रहे होंगे। अभी मैं खुशी साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अबू से। वापिस चले जाओ ना। है जी, वापिस चले जाओ, कहूँ मैं माफ़ कर दें। बुजुर्गों से माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, उनके पाँव पड़ूंगा। मारते तो नहीं थे तुम्हें? नहीं। तो फिर क्यों घर से आए? बस वही काम की वजह से। काम करने को दिल नहीं करता? नहीं, काम करता सही आगे करने से उस वजह से लड़ाई हुई। आप बेटे किस इलाके से हैं? बावलपुर से। तो मुझे बताएं कि इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं कंपनी में काम करता था, फैक्ट्री में। तो रहते कहाँ थे, रात कहाँ बसर करते थे? कंपनी में। कंपनी में। तो आप इधर रहेंगे आप? हाँ जी। सलाम अलैकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद जी। आबिद साहब, किधर रहते थे आप इससे पहले? सर बस इधर ही रहता था, फुटपाथ पे। हाँ। अब आप इधर रहेंगे जी। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? गंगा। क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा। तो किधर से हैं आप? नवाब शाह। नवाब शाह से। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि अब इधर आके कैसा आपको महसूस हो रहा है? इधर तो बहुत लुटते हैं, जेबें साफ कर जाते हैं। सो जाओ, कल मेरा 3600 रुपया निकल गया, अभी जो निकलने वाला है वही हमारे तड़ी जमा रहा है। ये इधर का माहौल ये है, जेबें काटते हैं इधर, बहुत जेब तलाश बहुत है। बहुत शुक्रिया। यहाँ की सूरत हाल आपने देखी, और बहुत बड़ी तादाद जो है, मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो, एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ चुकी है, और बहुत बड़ी तादाद जो है अभी भी फुटपाथ पे है, और बहुत बड़ी तादाद जो है उसके लिए यहाँ अकोमोडेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को।
इन चीज़ों को आप अगर बेहतर तरीके से अकोमोडेट करेंगे तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो अफराद जो नशे के आदि अफराद हैं वो जब यहाँ आएंगे और उनको रहाइश दी जाएगी तो आपको एमरजेंसी नाफिज करना पड़ेगी, सेहत की एमरजेंसी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसे प्रॉपर मॉनिटर करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा सा रेगुलर अगर कर लिया जाए तो बहुत सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा स्टेट को कि वो यहाँ आएँ और ख़ुद से रहें, ऑपरेशन करके लाने की बजाय या ज़बरदस्ती लाने की बजाय या ज़बरदस्ती सुलाने की बजाय वो ये एक ट्रांजिशन होगा छोटा सा, जिसके बाद हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। फहद शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।